गाइस कैसे आप लोग। तो आज जो है आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो हम लोग अलजेब्रिक एडिशन जो होता है कि किसी भी डिजिट को ऐसे ऐड करने से 4 + 3 = 7 वगैरह, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है कि आपको 4 + 3 = 5 आएगा। तो वेक्टर एडिशन क्या है, इसका बेसिक रूल क्या है और इसके मेथड क्या क्या है और किस तरह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम सीखेंगे इसमें। किसमें? तो वेक्टर एडिशन में। ठीक है, इसके पहले जो मैंने दो लेक्चर जो शूट किया है उसमें फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह बताए हैं। इसके बाद फिर सेकंड लेक्चर, उसमें भी थोड़ी सी टाइप्स ऑफ वेक्टर आ गया है और उसके साथ साथ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब। इसके बाद फिर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर वगैरह सीखे थे। तो चलिए नए वीडियो का शुरुआत, नया टॉपिक, प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। क्यूट सा टॉपिक है ना, नाम सुना है नहीं? अच्छा, चलो। तो वेक्टर एडिशन, कुछ वेक्टर एडिशन का कुछ रूल है, इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ कि इसका रूल क्या है वेक्टर एडिशन का। ठीक है, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इन शॉर्ट इसे कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हम रूल लिखते हैं कि इसका रूल क्या है वेक्टर एडिशन का। तो आप जिस तरह से दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड करने के लिए वेक्टर को हेड से हेड या फिर टेल से टेल ऐड करते थे। आपको मैंने बता रखा कि ऐसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, तो वेक्टर का ए वाला पार्ट का ए वाला पॉइंट क्या रहता है हेड, और ये पीछे वाला पॉइंट क्या रहता है टेल। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो मैंने बताया था कि या तो आप हेड से हेड दो वेक्टर को जोड़ दें या फिर टेल से टेल दो वेक्टर को जोड़ दें, इस तरह से तो इसके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, यानी कि वेक्टर को दो वेक्टर को आप ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का रूल कहता है कि वेक्टर शुड बी अरेंज्ड इन सच वे that the head of first vector should be coincide with tail of second vector or tail of or head of second vector should be coincide with tail of third vector and so on। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि draw a new vector from tail of first vector to head of last vector. Draw a new vector from tail of first vector to head of last vector which represent which
रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बस ये रूल है। अब यहाँ पर इतना बड़ा रूल देखकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये बातें समझ में आई? इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर शुड बी अरेंज्ड इन सच वे दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर शुड बी कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर और हेड ऑफ सेकंड वेक्टर शुड बी कंसाइड विद टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड नहीं टेल ऑफ द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर शुड बी कंसाइड विद टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है कि ड्रा अ न्यू वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आपको दो वेक्टर के को ऐड करना है और ऐड करके उसका रिजल्ट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, अब आपको यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड करेंगे। यहां से वेक्टर को उठाइए, इसको अरेंज कर लिए शिफ्ट करके, हम वेक्टर ए को इस तरह से ऐसे लिख दिए, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, जितना मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे वाले का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। इसके बाद सेकंड वेक्टर को शिफ्ट करना है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जैसे इनिशियल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, और सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मैच कर रहा होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे कि वेक्टर बी को उठाएंगे, यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए, हो गया वेक्टर बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए का जो हेड है और वेक्टर बी का जो टेल है, जो टेल है, वो दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रा करके एक वेक्टर ए बना देंगे और यही हमारा हो जाएगा वेक्टर आर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या हम यहाँ पर जब हेड और टेल जब मैच करा रहे हैं तो क्या हम इसका एक अलग से नाम दे सकते हैं कि हेड टेल मेथड? जी हाँ बिल्कुल। तो इसे कुल मिलाकर बच्चों इसे कहा जाता है हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, इन शॉर्ट आप इसे हेड टेल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के बीच में आपको ऐड करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करें कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करा दें, इसके बाद फिर जो दूसरा वेक्टर आएगा उसके हेड से और पहले वेक्टर के टेल तक एक लाइन ड्रा करें और उसका डायरेक्शन किधर रखेंगे, तो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ और इसके थोड़ा कुछ टर्म कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एक बहुत सिंपल सा केस है, केस वन, इसका एक सिंपल सा केस लेते हैं। केस वन में बच्चों मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि इफ केस वन में ऐसा हो रहा है कि इफ केस वन, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि इफ two vectors acting in same direction। बच्चों अगर मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, एक काम करके हम दो वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए है हमारा वेक्टर ए, ये हो गया बड़ा सा हमारा वेक्टर ए, ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया हमारा वेक्टर बी, छोटा वाला है हमारा वेक्टर बी, क्लियर। अब अगर इस दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट क्या करता है, हेड टेल मेथड, कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से मैच कर रहा होना चाहिए, है ना। इसके बाद फिर रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बना देंगे जिसकी डायरेक्शन लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ होगी और वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो एक काम करते हैं, क्या इस वेक्टर को हम अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप इसको शिफ्ट करके अरेंज करवा लीजिए।
तो वेक्टर ए को हम शिफ्ट करा के नीचे लिख लिए, जितना वेक्टर ए का लेंथ ऊपर में है, लंबाई जितना ऊपर में है, कि जितना मैग्नीट्यूड ऊपर में उतना ही मैग्नीट्यूड का नीचे भी है, वेक्टर ए बना लिए। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। ठीक है बच्चे, इसके बाद वेक्टर बी को शिफ्ट करा के नीचे लाना है। लेकिन इसमें देखना क्या है कि वेक्टर बी को अगर हम शिफ्ट कराएंगे तो वेक्टर बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से मैच कर रहा होना चाहिए। यानी कि वेक्टर बी को यहाँ से उठा के यहाँ पे हम इस तरह से शिफ्ट करा दिए। ये देखिए जितनी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का ऊपर में उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का नीचे में है, जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ऊपर में उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का नीचे में है। ये हो गया वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट क्या कहता है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मैच कर रहा होना चाहिए, और वही हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। एक काम करें ऐसे तो इसी के ऊपर ड्रा हो सकता है, तो हमें ऊपर में इस तरह से ऐसे बना लेते हैं और इसको हम लिखते हैं वेक्टर आर। ये हो गया हमारा ऊपर में हो गया वेक्टर आर। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, थोड़ा और बड़ा लिखे इसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो तो सिंपली क्या करना है कि पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे मान ली कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सॉरी इसका 3 कर लेते हैं, वेक्टर बी का दिया हुआ है 3 और वेक्टर ए का दिया हुआ है 4। ठीक है बच्चों, वेक्टर बी का मान लिया कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और वेक्टर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4। तो अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस लिखना है कि आर बराबर क्या लिखना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सिर्फ बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सिर्फ आर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, ए कितना है तो ए है 4 यूनिट, प्लस बी कितना है तो बी है 3 यूनिट, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 यूनिट है, 7 यूनिट। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये कितने यूनिट का हो जाएगा, 7 यूनिट का बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और दूसरी चीज, ये जो केस वन था वो किसके लिए था, कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो यानी कि पैरेलल हो। एक चीज और, अगर हम यहाँ पर देखें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है, तो एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में, तो थीटा अगर यहाँ पर लिखे तो थीटा कितना लिखे दोनों वेक्टर के बीच का, 0 डिग्री। थीटा कितना लिखे, 0 डिग्री। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, कितने डिग्री एंगल पे होगा, तो क्या हम उसको ऐसा आंसर दे सकते कि 0 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम एट एंगल बिटवीन दैट वेक्टर शुड बी 2 डिग्री, 0 डिग्री। यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होगा, तभी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस, जिसे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होने का केस हो गया फर्स्ट केस। और वेक्टर कैसा है, तो पैरेलल है ना। अब इसके बाद केस सेकंड देखते हैं, इसको मिटाए। चलिए सेकंड केस में क्या है कि सेकेंड केस में बच्चों, केस टू क्या कहता है कि इफ इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन
देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू व्हाट, तब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक काम कीजिए, जैसे फिर सी सी को हम ले, बस माने कि वेक्टर ए को हम इस तरफ लिख दिए हैं और वेक्टर बी को हम अपोजिट कर देते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट। तो ए माने कि हमारा वेक्टर बी है, यह है हमारा वेक्टर बी। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ, वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। अब है कि हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या क्या करता है, हेड टेल मेथड कहता है कि हेड और टेल मैच कर रहा होना चाहिए, है ना, हेड टेल मैच कर रहा होना चाहिए। तो करवाइए, तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया बच्चों वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर बी को शिफ्ट करके हमको यहाँ पर लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वेक्टर शिफ्ट करते हैं तो कैसे करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। तो वेक्टर बी को बच्चों हमें यहाँ पर शिफ्ट भी करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि वेक्टर बी का टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड से मैच करवाना चाहिए, है ना। तो एक काम करें, इस वेक्टर बी को उठाकर अगर हम यहाँ पे रखें तो वेक्टर बी कहाँ तक आएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आएगा, अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट पर आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए, नीचे में हम लिख दिए वेक्टर डी, कोई दिक्कत। अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से शुरू हुआ था यहाँ से, और गया था यहाँ तक के। सेकंड वेक्टर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आया है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करके लिखे तो क्या हमारा रिजल्टेंट यही होगा, क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर, है ना, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस, अब इसमें बच्चों देख सकते हैं कि वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो क्या हम इसको माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और हमारा एक बन गया एक और फॉर्मूला कि जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उसे हम क्या करेंगे, तो वो हम लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कब, जब वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, जब वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो वेक्टर का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जब वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि सेम होता है, तो वो प्लस हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल जो फिर से वही एग्जांपल हम लेते हैं 4-3 वाला, जैसे माने कि वेक्टर ए जो है वो 4 यूनिट है, वेक्टर बी जो है वो 3 यूनिट है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो क्या लिखेंगे कि आर बराबर ए माइनस बी, ए कितना है तो 4 है, बी कितना है तो 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 1, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो 1। अच्छा दूसरी चीज क्या हम इसमें, अच्छा इसमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो एक काम कीजिए दोनों वेक्टर को हेड से हेड या टेल से टेल मैच करवा लीजिए। तो ये लीजिए ए है वेक्टर ए, ए है वेक्टर ए, और इसको हम वेक्टर बी लिख दिए यहां पर, ए हो गया हमारा वेक्टर बी, जैसे ए है हमारा वेक्टर ए और ए है हमारा वेक्टर बी, ठीक है, ए वाला है वेक्टर बी। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो देखिए कितना है 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां से एक पॉइंट और बनता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मिनिमम इफ एंगल बिटवीन
टू वेक्टर इज 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस वाले का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और माइनस वाले का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मिनिमम। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड हो गया है ना, ये हो गया सिंपल मेथड कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो तब। अब अगर मान लीजिए कि वेक्टर आपको कुछ किसी एंगल पे दिया हुआ, थीटा डिग्री पे, से मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है। ये है अगर वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी, तो इसमें आपको रिजल्टेंट निकालना, तो क्या करें, जैसे वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर हेड टेल मैच कर रहा है ना, हेड टेल यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ठीक है। रिजल्टेंट क्या करता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से मैच करा के एक वेक्टर ड्रा करेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया वेक्टर आर। तो अगर इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए बच्चों अलग से फॉर्मूला बनाया गया है और उसके लिए एक अलग से हम रूल पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन में एक अलग से रूल पढ़ते हैं, इसको कहा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा रूल है जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब जो है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर थीटा डिग्री एंगल पे हो तो उसकी बीच का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत सा सिंपल सा था हेड टेल मेथड, ठीक है। और अब जो है, अब देखेंगे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। और यहां तक कि बच्चों मैं बता दूं कि जो दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट रिजल्टेंट जो आता है ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, दोनों का एक ही आता है, बस दोनों में फर्क क्या वो भी दिखाएंगे। चलो अब देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए जो है वो इस तरह से, ये है बड़ा सा वेक्टर ए इस तरह, ठीक है, और एक दूसरा जो है वो वेक्टर बी कुछ इस तरह से, ए है वेक्टर बी और ए है वेक्टर ए। अब आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हेड टेल मेथड से आप इसको शिफ्ट कीजिए, तो ये लीजिए इसको शिफ्ट कर दी, ए हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी को उठा के यहाँ पर शिफ्ट करना है, और क्या, तो ध्यान रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से उठाएंगे वेक्टर बी, और वेक्टर बी को हम बच्चों यहाँ पर शिफ्ट करा दिए, ये लीजिए ये हो गया वेक्टर बी, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया ए। इसका रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड और टेल मैच कर रहा है, हेड टेल मैच कर रहा है। अब क्या कहता है कि रिजल्टेंट के लिए वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक नया वेक्टर बनाएंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ से वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ए ये वाला लाइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट यानी कि आर। अब इसमें अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें रिजल्टेंट निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक नया एक फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूला वो कुछ इस तरह है कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा, 2ab cos थीटा।
अबे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कहाँ से आया, तो वो हम देखेंगे इसका डेरिवेशन है कि ये कहाँ से आया। बच्चों एक काम कर सकते हैं, जो वेक्टर को बैठा देता हूँ यहाँ पे, ये जो नीचे वाला जो वेक्टर ए है क्या हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो ए मैंने क्या किया कि वेक्टर ए को थोड़ा मैंने आगे बढ़ा दिया इस तरह से, आप वो समझ लो कि इसको मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया। इसके बाद वेक्टर बी के हेड से इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर बना देंगे। ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दीजिए, तो इसका नाम लेते हैं ओ, इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर, नहीं आर तो इसमें आया हुआ है, इसका कुछ और नाम दे देते हैं, एल दे दें, चलो एल, ठीक है। अब देखिए क्या आपको एल पी क्यू एल ए वाला जो है, ए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम ट्रायंगल कौन सा पी क्यू एल को अगर देखें, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, एल क्यू क्या है, बेस है, और पी एल क्या है, तो ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या हम ट्रायंगल पी क्यू एल में ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो परपेंडिकुलर है पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, तो हाइपोटेन्यूज है पी से एल तक, पी से एल तक। तो क्या हम पी क्यू को, तो पी क्यू छोड़ेंगे क्योंकि पी को तो हमें पता नहीं है कि इसका परपेंडिकुलर है क्या, हाँ इसको हम एंगल ले लिए थीटा, ये भी ध्यान रखिए कि इसका एंगल थीटा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमें पता है नहीं, तो परपेंडिकुलर को हम ऐसे ही लिख दिए पी क्यू के फॉर्म में, और पी से एल, और पी एल कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखते कि यहाँ पर जो है पी एल कितना है, बी है, पी एल कितना है, बी है, ठीक है, नीचे बड़ा सा बी लिख दिया, पी एल कितना है, बी है। तो क्या हम पी क्यू अपॉन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें यहां से पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या हम यहां से ऐसे कि पी क्यू बराबर बी साइन थीटा, जी हाँ। तो यहां से हमें मिल गया कि परपेंडिकुलर यानी कि ए वाला जो है, ए वाला साइड यानी कि परपेंडिकुलर साइड वो कितना है, तो वो है बच्चों बी साइन थीटा, ठीक है। अब ठीक उसी तरह इसी ट्रायंगल में पी क्यू एल में ही अब हमें बेस निकालना है, बेस। तो क्या हम बेस निकालने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चों बेस कितना है, तो बेस है एल से क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, तो पी से एल, तो हाइपोटेन्यूज पी से एल। इसमें हमें बेस निकालना है यानी कि एल क्यू निकालना है, तो एल क्यू को मैंने एल क्यू लिख दिया अपॉन पी एल, पी से एल कितना है, बी है, फिर से हमें बी मिल गया बी। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि एल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चों, जरा थोड़ा सा इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, ये जो बड़े वाला जो ट्रायंगल है ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला कौन सा, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू। अगर ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखें तो ये पी क्यू क्या है, ट्रायंगल ओ पी क्यू में पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि कितना आ रखा है, तो वो आ रखा है बी साइन थीटा। इसके बाद इसका बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कौन हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा ओ एल प्लस एल क्यू, क्या हो जाएगा, ओ एल प्लस एल क्यू, है ना, इसका क्या कहलाएगा, बड़े वाले एंगल का, वो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। और ये जो आर है वो बड़े वाले का क्या कहलाएगा, बड़े वाले का हाइपोट्यूस, यानी कि बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसका हाइपोट्यूस हो जाएगा आर, है ना, और यही आर तो हमें निकालना है। तो एक काम करें,
अगर बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लिखें कि हाइपोट्यूस का स्क्वायर बराबर, हाइपोट्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लिख सकते हैं? बिल्कुल है, तो लिखते ही हैं। इसके बाद बच्चों हाइपोट्यूस का स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा, तो ओ पी क्यू में, ट्रायंगल ओ पी क्यू जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें हाइपोट्यूज का स्क्वायर, और हाइपोट्यूज कौन सा है, आर है, तो क्या हम हाइपोट्यूज के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, पी क्यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है बच्चों, तो बेस है ओ से एल और एल से क्यू, ओ से एल और एल से क्यू, तो बेस में क्या लिख दिए, ओ एल प्लस एल क्यू का हॉल स्क्वायर, ओ एल प्लस एल क्यू का हॉल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों पी क्यू कितना है, पी से क्यू, तो वो है बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा का हॉल स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही पी क्यू निकाल रखा ऊपर में बी साइन थीटा, तो यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर के पी क्यू के जगह पे परपेंडिकुलर के जगह पे कितना लिखेंगे, बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा का हॉल स्क्वायर। ओ एल प्लस एल क्यू, ओ से एल, और ओ से एल कितना है, ए है, ओ से एल कितना है, ए है, तो यहाँ पे लिख दिए ओ एल की जगह लिख दिए ए प्लस एल क्यू, एल क्यू कितना है बच्चों, तो एल क्यू भी जस्ट हम यहाँ पे निकाले कितना है बी कॉस थीटा, तो एल क्यू जगह कितना लिख देंगे बी कॉस थीटा का हॉल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि अगर बी साइन थीटा का हॉल स्क्वायर करेंगे, बी साइन थीटा का अगर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का हॉल स्क्वायर करना है। क्या आपको ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर आपको लग रहा है, अगर मान ली कि ए को हम ए मान लें और बी कॉस थीटा को हम अलग टर्म बी मान ले और दोनों का हॉल स्क्वायर, क्या है? दिख रहा है? बिल्कुल हाँ, तो इसको हम ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो अगर हम ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, तो इसको उसी के आधार पर इसको हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो अगर हम यहां से उसको ब्रेक करें तो क्या होगा कि हो जाएगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी होता है, तो टू ए बी यानी कि ए और बी और कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, क्या आ गया कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी। ठीक है, अब यहां से इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, एक काम करें ए स्क्वायर को आगे ले आते हैं, आगे ले आए ए स्क्वायर को प्लस, इसके बाद हम एक ऐसा करते हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और इस वाले टर्म में बी स्क्वायर कॉस थीटा में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बच्चों कॉमन है, तो जब कॉमन है तो यहां से बी स्क्वायर को हम बाहर निकाल लें। बिल्कुल हाँ, तो यहां से जब मैंने बी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो बच गया मेरे पास क्या, बच गया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना, टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो क्या आप ये तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल। और जब इस आर स्क्वायर पर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट, और जब ये रूट है तो फाइनली फिर से हमारा क्या आंसर आ जाएगा कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और ये हमारा क्या बताएगा, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर, ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब आप चाहे तो आप इस पर ट्राई भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया था कि पैरेलल, अगर वेक्टर पैरेलल हो और वेक्टर पैरेलल हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वेक्टर अगर अपोजिट हो यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मिनिमम होता है। आप इसको ट्राई करके देखें, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल सेम आंसर आएगा। जैसे इसको मिटाए, चलिए अब जो है ये तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम पड़ गया। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर में, रिजल्टेंट का अगर हमें डायरेक्शन पता करना हो, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ये वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला है ना, और इसका अगर हमें डायरेक्शन पता करना हो, तो मान लीजिए कि ये यहां से वेक्टर ए से अल्फा डिग्री पर है। कितना पर, अल्फा पर, इसको हम अल्फा मान लें, अल्फा। तो अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना हो बच्चों तो क्या करेंगे, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू नहीं, टेन अल्फा, इसको कर लीजिए टेन अल्फा इक्वल टू। बच्चों यहां से अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे तो टेन टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी क्या, तो परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा अपॉन बेस। कितना लिख सकते हैं, तो बेस में क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या हम बेस में ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से चाहे तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और कितने डिग्री पर है वो, यानी कि टैन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और ये जो है कि r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ये आप ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम हो दोनों के लिए एग्जैक्ट सेम आता है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से बच्चों की, मैं क्वेश्चन को सिर्फ मैं रीड करता हूँ, वहां पर लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे रीड करते हुए पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू टू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू फोर एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट। इसमें ऑप्शन है बच्चों की, ऑप्शन ए में है रूट 13, ऑप्शन बी में है 3√3, ऑप्शन सी में है √3, एंड ऑप्शन डी जो है वो है 2√3, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आप सबसे बन जाएगा, तो जिससे बन जाएगा वो वीडियो देखने के बाद वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। Then, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, उसमें और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यू लेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे वेक्टर एडिशन के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।